सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। चलिए तो इनपुट आउटपुट बनाएंगे दोस्तों। मेंस लेवल की क्लास, काफ़ी लोग बच्चे बोल रहे थे कि सर मेंस की क्लास नहीं होती, तो चलिए मेंस का आज इनपुट आउटपुट करते हैं। बिल्कुल IBPS PU SBI PU लेवल की क्वेश्चन, अब वो तो खैर बनाने के बाद पता चलेगा क्या लेवल है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मेरे ही बारे में दोस्तों, अगर आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, बैंक एग्जाम्स की पढ़ाई कर रहे हैं, तो AL10 ये कोड अप्लाई करके आप यस ऑफिसर का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। yesofficer.com पर जा सकते हैं या फिर यस ऑफिसर एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आप सारे टीचर्स की क्लासेस देख सकते हैं। डिस्काउंट कोड है AL10 कंप्लीट। अगर सिर्फ मेरा सब्सक्रिप्शन लेना है तो भी आप ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्लास की लिंक यहां पर मिलती है आप लोगों को। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक बार जल्दी से इसको देखिए और बनाने की कोशिश करिए। चलिए दोस्तों, कुछ लोगों को तो इसका लॉजिक समझ में आ गया है, जिनको नहीं समझ में आया इधर ध्यान दीजिएगा। तो क्या कर रहा है यहां पर देखते हैं। देखिए 129 में 104 को माइनस कर दिया है तो 25 आ गया, फिर 129 में 52 को ऐड कर दिया है तो 181 आ गया, फिर 52 और 39 को माइनस कर दिया है तो 13 आ गया, फिर ये दोनों को ऐड कर दिया है तो 144 आ गया, फिर इन दोनों को माइनस कर दिया तो ये आ गया, ये दोनों को ऐड कर दिया ये आ गया, ये दोनों को माइनस कर दिया ये आ गया। मतलब ये स्टार्ट कहां से किया है, ये किया है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो माइनस से स्टार्ट करना है, आपको ये वाला इनपुट दिया हुआ है इसके हिसाब से आपको करना है। तो ये माइनस ये प्लस ये, फिर ये माइनस ये प्लस ये, फिर ये माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो इससे आपकी सारी वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। सेकेंड वाले को देखते हैं, तो सेकेंड स्टेप में अब क्या हो रहा है यहां से, तो 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, 8 × 1 = 8, 1 = 8, मतलब मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। 3 × 1 = 3, 4 × 4 = 16, 6 × 3 = 18, 6 × 5 = 30 और 2 × 30 = 2 कितना होता है 60, 5 × 3 = 15। तो ये तो क्लर्क लेवल है, पीओ लेवल नहीं है ये, ठीक है। अब 10 के बाद यहां पर क्या किया, 10 से ये आधा कर दिया 5, 8 का आधा 4, 3 का आधा 1.5, 16 का आधा 8, 18 का आधा 9, 60 का आधा 30 और 15 का आधा 7.5। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको यहां पर करना है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं अब, और इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो बना के दिखाना है या आप लोग कर लोगे तो छोड़ के आगे बढ़ेंगे फिर, कि पूरा एक एक स्टेप करना है, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताइए। कर लेंगे, चलिए ठीक है, कर लेंगे तो आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए इस वाले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, पैटर्न को।
चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इसका पैटर्न भी आप लोगों ने समझ लिया होगा कि पैटर्न इसका क्या है। चलिए देखते हैं पैटर्न। तो यहां पर देखो क्या है भाई, 73 और 46, 56, 66, तो साथ में चार गया तीन, छह और तीन नौ, ठीक है। तो यहां पर क्या कर रहा है, देखो यहां का सेवन और यहां का चार माइनस कर दे रहा है, तो तीन आ गया, सात में चार गया तीन आ गया, इस तीन के साथ इस छह को ऐड कर दे रहा है, तो छह और तीन नौ आ गया यहां पर, ठीक है। अगले वाले में देखते हैं, तो यहां पर देखो पांच और छह का डिफरेंस निकाल दिया, एक आ गया, फिर चार और सात को ऐड कर दिया तो ग्यारह आ गया। आगे में देखो तीन और आठ का डिफरेंस निकाल दिए तो पांच आ गया, पांच और दो को ऐड कर दिए तो सात आ गया। मतलब पहले दो को माइनस कर रहा है, फिर दो को ऐड कर रहा है, तो माइनस फिर ऐड, माइनस फिर ऐड, इस तरीके से कर रहा है पहला स्टेप, ठीक है। तो आपको यहां पर इसमें भी वही चीज करनी है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहले वाला जो था वो किसके साथ, तीसरे वाले के साथ, तो यहां पर इसको और इसको, ये वाले को और ये वाले को, ठीक है, और फिर ये वाले को इसके साथ, तो प्लस और माइनस जो करना है किसको किसके साथ करना है, मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है, आप लोगों को करना है आगे। अब इसके बाद देखिए दोस्तों आगे, यहां से फिर ये एफ आर बी वी जे एन ये कैसे हो रहा है, इसको देखते हैं। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है, एफ की प्लेस वैल्यू छह होती है, तो तीन का डबल छह, नौ का डबल अठारह, अठारह आर की प्लेस वैल्यू होती है, एक का डबल दो, तो दो जो है वो बी की प्लेस वैल्यू होती है, 11 का डबल 22, 22 जो है वो V की प्लेस वैल्यू होती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, 5 का डबल क्या होता है 10, 10 जो है वो J की प्लेस वैल्यू होती है, 7 का डबल 14, तो 14 जो है वो N की प्लेस वैल्यू होती है। तो जो भी यहां पर अब नंबर्स आएंगे आपको क्या करना है, उनका डबल करते जाना है, और उसमें जो भी लेटर आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उस लेटर को आपको नोट कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका स्टेप नंबर टू, उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आ गया होगा। अब यहां पर लिख भी लेते हैं क्या क्या नंबर थे इसके, 6, 18, 2, 22, 10 और 14। अब इससे ये नंबर कैसे लेके आ रहा है इसको देखते हैं, तो 6, 2, 10, 6, हाँ, तो इसमें कुछ ऐसा कर रहा है दोस्तों कि छह में दो को माइनस किया, इस छह में दो को माइनस किया तो चार आ गया, इस अट्ठारह में दो को माइनस किया तो सोलह आ गया, ध्यान दीजिएगा, इस छह में इस दो को, यहां ये इतने से मतलब है ना हमको सिर्फ, तो क्या कर रहा है, छह में दो को माइनस किया तो चार आ गया, अट्ठारह में दो को माइनस किया तो सोलह आ गया, तो यह चीज तो क्लियर है। अब इधर वाले को देखते हैं, इसमें क्या कर रहा है, 22 में 10 को माइनस किया तो 12 आ गया, 22 में 14 को माइनस किया तो 8 आ गया, तो बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या किया यहां पर, 6 माइनस 2 4, 18 माइनस 2 16, 22 माइनस 10 12, 22 माइनस 14 8 आ गया। अब उसके बाद यहां से ये OW जो है ये कैसे आ रहा है इसको देखना है, तो O की प्लेस वैल्यू और W की प्लेस वैल्यू कितनी होती है एक बार बता दीजिए जल्दी से, W की प्लेस वैल्यू 23 होती है मेरे ख्याल से, N O, O की प्लेस वैल्यू 15 होती है, यही होता है ना 23 और 15, तो 15 और 23 कैसे आ रहा है यहां पर देखो थोड़ा सा सोचो। तो इसमें क्या कर रहा है ये देखो, ये 4 प्लस 12 कितना होता है 16, उसमें एक माइनस कर दिया 15 आ गया, 4 और 12, 12 4 16 होता है, 16 में एक माइनस किया 15 आ गया, तो 15 जिसकी भी प्लेस वैल्यू होती है वो लेटर लिख दिया। अब दूसरे को देखो यहां पर 16 और 8 कितना होता है भाई, 16 और 8 24, उसमें एक माइनस कर दिया तो 23 आ गया, 23 की प्लेस वैल्यू जो है वो डब्ल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से ये पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है, और इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको इसके स्टेप्स बनाने हैं। चार नंबर तीन नंबर का क्वेश्चन आता है ये, प्लस करके माइनस एक, हाँ ये दोनों करके प्लस करके फिर माइनस एक कर रहा है, ठीक है समझ में आ गया। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, जल्दी बताइए समझ में आ गया यस और नो, आगे बढ़े।
सर करवाओ, कोई चाह रहा है कि इसके पूरे स्टेप्स भी करवाऊं मैं? नहीं ना, देखो यार इतना तो कर सकते हो यार, जब मैं पूरा पैटर्न बता दिया कि माइनस करना है, प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, उतना तो कर लो सब कुछ। अगर मैं करूंगा तो फिर एग्जाम में कैसे करोगे? चलो ये वाला एक बार करके बता ही देता हूं यार क्या कर रहा था। यहां पर देखो, 7 और 4 को माइनस किया था, 6 और 3 को ऐड किया था। तो यहां पर देखो, 6 और 7 को माइनस करेगा तो 1, और 2 और 6 को ऐड करेगा तो 8। ठीक है, इस वाले में 4 और 9 को माइनस करेगा तो 5, और 9 और 4 को ऐड करेगा तो 13। उसके बाद देखो तीसरे वाले में क्या आएगा, 8 और 5 को माइनस करेगा तो 3, और 7 और 3 को ऐड करेगा तो 10। सभी का यही आया था, जल्दी से चेक कर लो और बता दो। 18, 5, 13, 3, 10 यही आया है पहले स्टेप में। अब उसको डबल करके जो भी प्लेस वैल्यू होती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो कर देना है। तो इसको डबल कर दो भाई, तो 2, 16, 10, 26, 6, 20, इसकी जगह पे जो भी लेटर्स होते हैं उनको लिख दो, हो गया। उसके बाद तो समझा ही दिया हो यार बहुत अच्छे से, फिर तो कर लोगे। चलिए आगे चलते हैं अब। चलिए ये वाले क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। 58, 47, 27, 64, 32, 19, 21 और 85, जिनको नहीं दिख रहा है तो मैंने एक बार बता दिया है, बोल दिया है। ठीक है, इसको देख के एक बार बनाने की कोशिश करो, पैटर्न समझने की कोशिश करो जल्दी से। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सॉल्व हो गया होगा। स्टेप वन नॉट अंडरस्टूड, स्टेप वन समझ में नहीं आया, प्रीवियस क्वेश्चन फाइनल स्टेप डब्ल्यू के, पिछले क्वेश्चन का दोस्तों बता दीजिए जल्दी से, फाइनल स्टेप जो है वो डब्ल्यू के आया है क्या? तो फाइनल आउटपुट तो वाई और एम आ रहा है यहां पर।
वाई एम आ रहा है, गलत बनाया है आपने। चलिए ये इसमें क्या कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया एक बार बताइए, मैं तो वैसे पूरा ही समझाऊंगा बट आप एक बार जल्दी से बताइए कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया। स्टेप वन, बाकी सब आ गया। देखो इसको ना उल्टा चलते हैं, हम उल्टा समझने की कोशिश करते हैं। स्टेप फोर को देखो ये कैसे आ रहा है, तो थ्री प्लस वन फोर हो गया, फोर प्लस जीरो फोर हो गया, नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व हो गया, चार चार आठ और एक नौ हो गया, पांच हो गया, आठ और चार बारह हो गया, पांच और चार नौ हो गया। तो यहां पर डिजिट्स को सम कर दे रहा है कहां पर, इस वाले स्टेप में, ऐसे यहां जो भी नंबर लिखे हुए थे उनके डिजिट्स को ऐड करते जा रहा है और जो दिख रहा है उसको नीचे लिखते जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये वाला स्टेप कहां से आया। तो ये स्टेप कहां से आया देखिए भाई, हाँ तो ये ऐसा आ रहा है, ये देखो 13 इंटू वन 13, 20 इंटू टू 40, 31 इंटू थ्री 93, 36 इंटू फोर 1 इंटू फाइव, 14 इंटू सिक्स 72 इंटू सेवन। तो इस तरीके से आपको करना है इंटू वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव इंटू सिक्स इंटू सेवन, यही चीज आपको करनी है इधर भी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये वाला स्टेप कैसे आ रहा है। तो ये देखो इसमें क्या कर रहा है, 74 माइनस 61 13 आ गया, 61 माइनस 41 20 आ गया, 72 माइनस 41 31 आ गया, मतलब दोनों का डिफरेंस निकाल रहा है। तो 72 और 36 का डिफरेंस 36, 36 और 37 का डिफरेंस 1, 37 और 23 का डिफरेंस 14, 23 और 95 का डिफरेंस 72। तो इस तरीके से दोनों का डिफरेंस आपको निकालते जाना है। तो ये वाला स्टेप भी हमको समझ में आ गया, अब बस हमको ये देखना है कि ऊपर से ये वाला स्टेप कैसे आया है। तो क्या कर रहा है इसमें देखते हैं भाई थोड़ा सा। तो इसमें देखो एक चीज समझ में आ रही है, ध्यान दीजिएगा, 58 में कितना ऐड किया है कि 74 आ जाए, तो 58 में ऐड किया है 16। 47 में कितना ऐड करेगा कि 61 आ जाए, तो 47 में ऐड करेगा 14। 27 में कितना ऐड करेगा कि 41 आ जाए, तो 37 ये भी 14 आ जाएगा। फिर 64 से 72 कैसे आएगा, अगर 8 ऐड करेंगे तो आ जाएगा। फिर 32 से 36 जो है ये 4 ऐड करके आएगा। 19 से 37 नहीं यार, ये चीज नहीं होगी, पैटर्न ये फॉलो नहीं होगा, और कुछ देखते हैं। पहला स्टेप थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, समझ नहीं आ रहा। क्या फॉलो हो रहा है यार, अरे सही कर रहा था यार, एकदम सही कर रहा था मैं, रुक जाओ। देखो यहां डिफरेंस कितना है, 58 में कितना ऐड किया 16 ऐड किया, 47 में कितना ऐड किया 14 ऐड किया, यहां कितना ऐड किया 14 ऐड किया, यहां 8, यहां पर 4, यहां पर 18, यहां 2, यहां 10। तो जितना भी ऐड कर रहे हैं ना, वो ऐड करने वाला जो वैल्यू आ रही है वो कहां से आ रही है, वो आ रही है इसके यूनिट डिजिट का डबल। 8 का डबल 16, 7 का डबल 14, 7 का डबल 14, 4 का डबल 8, 2 का डबल 4, 9 का डबल 18, 1 का डबल 2, 5 का डबल 10। तो यहां पर मैं एक बार आपको करके भी बता देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। यूनिट डिजिट का डबल देखो कितना होता है, 6 दुना 12, इसमें 12 ऐड कर दो, नहीं 12 माइन, हाँ ऐड करना है, ठीक है। इसमें देखो 3 दुना 6, 7 दुना 14, 2 दुना 4, 6 2 12, ये 2 हो गया, 9 2 18, 3 दुना 6।
अब इसको ऐड करते जाओ तो कितना हो जाएगा ये 7888, ठीक है। उसके बाद देखो 53 में 6 आ गया तो 59 हो गया, 10 20 30 31 42 और 4 46 20 30 38 31 2 33 20 30 40 47 73 और 6 79, ये बनेगा पहला स्टेप। समझ में आया भाई सभी को? क्या करना है, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है और जो भी वैल्यू आ रही है उसको इस वैल्यू में ऐड कर देना है। 6 का डबल 12 इसके साथ ऐड कर दो, 3 का डबल 6 इसके साथ ऐड कर दो, 7 का डबल 14 इसके साथ ऐड कर दो, 2 का डबल 4 इसके साथ ऐड कर दो, 6 का डबल 12 इसके साथ ऐड कर दो, 1 का डबल 2 इसके साथ ऐड कर दो, 9 का डबल 18 इसके साथ ऐड कर दो, 3 का डबल 6 इसके साथ ऐड कर दो, ठीक। बाकी के पूरे बता चुका हूं, समझ में आ चुका, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक मिनट दोस्तों, ये पीडीएफ खत्म हो गई, दूसरी पीडीएफ अपलोड कर रहा हूं, 2 मिनट का वेट करिए, 2 मिनट बस वेट करिए। दोस्तों 2 मिनट बस वेट करिएगा, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन और लेके आ रहा हूँ, बस सेकंड पीडीएफ अपलोड हो रही है, 2 मिनट वेट करिए, भागना नहीं है। और कौन कौन से टॉपिक में आप लोगों को क्लासेस चाहिए ये आप लोग बता दीजिए। और किस टॉपिक में क्लास चाहिए तो कोशिश करेंगे मेंस लेवल के, जैसे कोडेड डायरेक्शन हो गया, कोडेड क्लॉक हो गया, कोडेड इनइक्वालिटी हो गया, तो इन सब पर भी मैं क्लासेस लेकर आ जाऊंगा फिर। चलिए अपलोड हो गया दोस्तों, 1 सेकंड देखते हैं। मेंस के सारे टाइप चलिए इसको बना लीजिए पहले, 2 मिनट का समय है पैटर्न समझने के लिए, एक बार जल्दी समझने की कोशिश करिए।
अरे कोई लिख रहा है यस ऑफिसर ऐप नहीं चल रहा। भैया चल रहा है यार, आप थोड़ा सही तरीके से देखो, हो सकता है आपके मोबाइल में नहीं चल रहा होगा, कुछ दिक्कत होगी आपके मोबाइल में। देखो मतलब बात वो होती है ना, बात ये होती है कि अगर हमारे घर में फल नहीं लग रहे हैं, हमारे पेड़ में फल नहीं लग रहे हैं, और दूसरे के पेड़ों में फल लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि पेड़ खराब है। समझ रहे हो बात को? तो ये देखो ऐप जो है वो चल रहा है बकायदा। इसमें अगर मैं कोई क्लासेस की भी बात करूं तो क्लासेस मैं ओपन करके दिखाता हूं, मैं अपनी ही क्लास ओपन करके दिखाता हूं। कौन सा कोर्स ओपन करें? चलो आप लोग क्वेश्चन बनाओ, मैं थोड़ी देर में दिखा देता हूं। कोई बोल रहा है सर का भी नीचे। अरे चल रहा है यार, मैं बोला क्वेश्चन बना रहे हो बोल के मैं साइड हो गया था कि चलो आप लोग मतलब कम से कम बना लोगे। अब मैं दिखाई देता हूँ, रुक जाओ उसके बाद ही करेंगे। ये देखो चालू होगी क्लास, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस ऑफिसर पर। उम्मीद करता हूँ आप चल सभी रही है यार, चल रही है। देखो मोबाइल का प्रॉब्लम हो सकता है, ऐप का कोई इशू नहीं है, बढ़िया चल रही है। यहाँ साइड पास से भी दिखाते हैं, ये देखो। अरे बंद कैसे करते हैं? चलिए दोस्तों, जिनको नहीं समझ में आ रहा है मैं समझा देता हूँ, टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में भी। देखिए करना क्या होता है, इनपुट आउटपुट में, इनपुट आउटपुट में आपको पैटर्न समझना होता है। अब पैटर्न कैसे समझना है, देखो यहाँ पर ये इनपुट दिया हुआ है, इस इनपुट से स्टेप वन में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या मतलब बदलाव दिख रहे हैं आपको, बस वो उसको देखो आप। तो यहाँ पर देखो ये मेक दिख रहा था, ये भी मेक दिख रहा है, ये 29 दिख रहा था, ये भी 29 दिख रहा है, ये विश था, यहाँ पर भी विश दिख रहा है, 16 16 टर्न टर्न 53 53, लाइफ गायब हो गया 41 41। मतलब हुआ क्या है, यहां पर लाइफ को यहां से उठा के गायब कर दिया, और कहां लेकर चला गया भाई, ये फ्रंट पे लेकर चला गया। और क्या किया है, लाइफ के आगे कुछ ना कुछ तो उसने किया है। तो ए बी सी डी ई एफ ई एफ,
यहां पर लिख लेते हैं LIFE। तो ये देखो लाइफ के बाद KJEF क्यों लिखा है, KJEF जो लिखा है KJEF ये कैसे आया, इन्हीं से रिलेट करके आया होगा। ये देखो ये F से F इधर आ गया, E से E इधर आ गया, ऐसा हो सकता है। आगे दूसरे में चेक करेंगे पता चल जाएगा। A B C D E F G H I J K L, ये देखो L के पहले के आता है, L के पहले के आता है, मतलब हम बोल सकते हैं माइनस वन। L में माइनस वन कर दोगे लेटर में तो K आ जाएगा H I J, और इसमें प्लस वन कर दोगे A B C D E F, इसमें माइनस वन कर दोगे, ठीक है, इसे माइनस वन कर दोगे, इसमें फिर प्लस वन कर दोगे, तो ये हो रहा है माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन, ठीक है, माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन। तो आपको बस एबीसीडी एक बार लिखना पड़ेगा और माइनस वन प्लस वन आपको करते जाना है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं। अब इसने सबसे पहले लाइफ को उठा के अरेंज किया, फिर अगले स्टेप में ये क्या कर रहा है, तो चलो देखते हैं अगले स्टेप में क्या कर रहा है। सेकेंड स्टेप में ये कर रहा है, ये तो वैसा का वैसा ही है, यहां पर मेक भी वैसा का वैसा ही है, 29 भी है, विश भी है, 16 भी है, टर्न भी है, 53 भी है। तो इस बार इसने क्या किया, 41 को उठाकर फ्रंट पे लगा दिया, और 41 के बाद 04, 04 क्यों लगाया भाई, इसको भी देखना पड़ेगा। अब 41 को 04 क्यों किया, फोर इंटू वन, फोर इंटू वन करने से फोर आता है, फोर इंटू वन फोर आता है, तो फोर आता है, तो उसको दो डिजिट में कैसे लिख सकते हो, 04 ऐसा कर सकता है। और आगे चेक करेंगे, ये देखो 1606 कैसे आया भाई, 6 × 1 6 आता है, तो 6 मतलब 06। और देखो यहां पर ये देखो 53 है, तो 5 × 3 = 15, तो यहां 15 आ गया। इसमें देखो 29 दिख रहा था, तो 29 मतलब 9 × 2 = 18, तो 18 लिख दिया है। मतलब जो भी दो डिजिट होंगे उनको क्या कर रहा है, उनको मल्टीप्लाई कर रहा है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर बन रहा है, अगर सिंगल डिजिट है तो एक जीरो लगाकर उस डिजिट को लिख रहा है, और डबल डिजिट है तो एज इट इज लिख रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर हम ये देखते हैं कि ये पहले एक वर्ड को उठाया लाइफ को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर जो मैं बता रहा हूं, हमको पैटर्न पूरा समझ में आ चुका है, पूरा पैटर्न क्लियर है, मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं जिनको नहीं आया है, तो पूरा अच्छे से ध्यान देना। सबसे पहले इसने लाइफ को अरेंज किया, फिर इसने 41 को अरेंज किया, फिर इसने मेक को अरेंज किया, फिर 16 को अरेंज किया, फिर टर्न को अरेंज किया, 53 को अरेंज किया, फिर विश को अरेंज किया, और फिर 29 को अरेंज किया। तो इस पैटर्न को अगर हम देखें यहां पर, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, बोल सकते हैं कि जो भी वर्ड्स थे उन वर्ड्स को वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में उठा रहा है और अल्टरनेट में उठा रहा है, पहले वर्ड फिर नंबर, फिर वर्ड फिर नंबर, फिर वर्ड फिर नंबर, फिर वर्ड फिर नंबर, तो अल्टरनेट में वर्ड्स को उठा रहा है, चेंज कर रहा है, और क्या कर रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। तो यहां पर अगर देखें हम, तो ए बी सी डी के हिसाब से अगर देखोगे, तो सबसे पहले बॉन्ड आएगा, फिर डेट आएगा, फिर ड्यूटी आएगा, फिर लॉक आएगा। तो यहां लिख देते हैं बॉन्ड, एक मिनट अगले पेज पे, हाँ यहां पर है, यहीं पर लिखते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले रेफरेंस बनाना होता है, तो यहां पर लिख लो भाई, सबसे पहले आ जाएगा बॉन्ड, फिर बॉन्ड के बाद आ जाएगा डेट, डेट के बाद आ जाएगा ड्यूटी, और ड्यूटी के बाद आ जाएगा लॉक, ठीक है। तो इस तरीके से, इस पैटर्न से इसको ये अरेंज करेगा, ठीक है। अब नंबर की बात करते हैं, तो नंबर को कैसे 41, 16, 53 और 29 ऐसा क्यों ले रहा है, तो इसको मेरे हिसाब से इसको ले रहा है ये इनके मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से। देखो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो भी नंबर आ रहा था, पहले 4 आया, फिर 6 आया, फिर 15 आया, फिर 18 आया, तो बोल सकते कि मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो भी नंबर आ रहा है वो इंक्रीज होते जाना चाहिए। तो अगर यहां पर ये इस प्रकार से उठाया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, 7 × 3 = 21, 6 × 3 = 18, 5 × 4 = 20, और 7 × 1 = 7। तो सबसे पहले कौन सा नंबर उठाएगा भाई, 17 को सबसे पहले उठाएगा, उसके बाद फिर 7 के बाद 18 वाला यानी कि 36 को उठाएगा, उसके बाद फिर 20 यानी कि 45 को उठाएगा, और फिर लास्ट में 73। तो ये इस प्रकार से आपको अरेंज करना है। मैं थोड़ा सा करके भी दिखा देता हूं आप लोगों को कि अरेंजमेंट कैसे बनता है इसका। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले तो जो इनपुट दिया हुआ है उस इनपुट को आप लिख लीजिए, और इनपुट को जब भी आप लिखेंगे तो ऐसे स्लैश बीच में रखते जाना है, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। 73 के बाद डेट, 36,
बॉन्ड 45, ड्यूटी 17। अब क्या किया था भाई, सबसे पहले किसको उठाना है, बॉन्ड को उठाना है, फ्रंट पे लेके जाना है। तो क्या करेंगे यहां पर ध्यान दीजिए, बॉन्ड पे सर्कल करना है, स्टेप वन यहां पर लिखना है, इस बॉन्ड को उठा के ले जाओ फ्रंट पे, ठीक है। और इसमें करना क्या था, माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन, यहां पर मैं लिख देता हूं एबीसीडी रेफरेंस के लिए। ठीक है, चलो देखते जाओ भाई, बी माइनस वन करोगे तो ए आ जाएगा, ओ प्लस वन करोगे तो पी आ जाएगा, एन माइनस वन करोगे तो एम आ जाएगा, और डी प्लस वन करोगे तो ई आ जाएगा। यही बन रहा है सबका। पहला स्टेप में पहला वर्ड जो है वो यही बन रहा है, बॉन्ड उठाकर लाया फ्रंट पे, और बाकी की जो चीजें थी ना उनको लाइन से एज इट इज लिख दो। तो लाइन से एज इट इज मतलब ये लॉक वहीं का वहीं आ जाएगा, 73 वहीं आ जाएगा, डेट वहीं आ जाएगा, फिर 36 वहीं आ जाएगा, 45 वहीं आ जाएगा, ड्यूटी वहीं आ जाएगा, 17 वहीं आ जाएगा। अब क्या कर रहा है सेकंड स्टेप में देखिए, तो स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू में क्या कर रहा है, अब ये 17 को अरेंज करेगा। तो 17 को देखो यहां पर 17 दिख रहा है, इसको पहले क्या करते हैं, सर्कल करते हैं, 17 को सर्कल कर लो, उसको उठाकर फ्रंट पे लाना है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 7 1 7, तो सिंगल डिजिट है तो 07 इसके साथ में लिख दो, बाकी की चीजें पूरी लाइन से, पूरा इसके साथ लाइन से लिखते जाओ। तो बॉन्ड एपीएमई, बॉन्ड एपीएमई लॉक, ये एग्जाम में दोस्तों कोई शॉर्टकट वॉर्टकट नहीं होता, ठीक है, कोई शॉर्टकट मारने के चक्कर में बिल्कुल मत जाना, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि कोई शॉर्टकट एग्जाम में काम नहीं आएगा। आपको बहुत सारे शॉर्टकट दिखाए जाएंगे, बहुत लोग आपको शॉर्टकट बताएंगे, ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन रियल एग्जाम में जो चीज होती है वो मैंने फेस की हुई है, इसलिए मैं बता रहा हूं मत करना शॉर्टकट वॉर्टकट का इस्तेमाल। बढ़िया बिंदास अपने तरीके से बनाओ, जो बनाते हो भले थोड़ा टाइम लगे, नंबर पूरे मिलने चाहिए। अब देखो हमको क्या अरेंज करना है भाई, हमने बॉन्ड अरेंज कर दिया, 73 अरेंज, 17 अरेंज कर दिया, अब डेट को अरेंज करेंगे। तो डेट को अरेंज करेंगे, यहां डेट को सर्कल करो, डेट को फ्रंट पे लेके आओ, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, माइनस वन प्लस वन करना है, तो डी माइनस वन करोगे तो सी, ए प्लस वन करोगे बी, टी माइनस वन करोगे तो एस, और ई प्लस वन करोगे तो एफ। अब बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी, तो 1707 बॉन्ड एपीएमई लॉक, 73, 36, 45, ड्यूटी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों अगला स्टेप में, अब हमको क्या करना है, अब हमको 36 को अरेंज करना है। तो जब आप 36 को अरेंज करोगे तो क्या करोगे, ये देखो ये 36 को यहां पर सर्कल कर लो, स्टेप नंबर फोर, तो 36 जो है वो फ्रंट पे आ जाएगा यहां पर। अब 6 3 18, तो 18 लिख लो, बाकी चीजें एज इट इज लिख देना है आपको। तो बस ऐसे ही करते जाना है दोस्तों, मैं पूरा करके नहीं बताऊंगा, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप लोग इसको आगे कंटिन्यू करिए और जल्दी से बताइए कितने स्टेप्स बन रहे हैं टोटल। अब इसके बाद हमको ड्यूटी को अरेंज करना है, तो जब आप ड्यूटी को अरेंज करोगे तो ड्यूटी पे ऐसे सर्कल कर लो, यहां से स्टार्ट करो स्टेप फाइव, ड्यूटी, और डी माइनस वन करोगे तो सी, यू प्लस वन करोगे तो वी, टी माइनस वन करोगे तो एस, और वाई प्लस वन करोगे तो जेड, बाकी चीजें एज इट इज, तो एंड सो ऑन। इसी तरीके से आपको अब सॉल्व करते जाना है, तो ऐसे ही आपको अरेंज करते जाना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा, बना लोगे अब सभी लोग, बना लोगे। व्हाट इज द टाइम फॉर दिस क्लास, कैन somebody प्लीज टेल। डेली 9 AM, सुबह 9 बजे डेली क्लास होती है, कुछ दिन प्री होती है, कुछ दिन मेंस होगी, ठीक है। अभी कुछ दिनों से प्री ही प्री चल रही थी, अब मेंस चलेगी अभी कुछ दिन, 2-4 दिन, क्योंकि अभी कोई प्री मुझे लगता नहीं है कि अभी कोई प्री का एग्जाम है। SBIPO का है सीधा 5 नवंबर को, इसके अलावा सारे प्री हो चुके हैं। तो अभी हम थोड़ा सा मेंस की क्लासेस करेंगे,
और उसके बाद फिर सर हर वर्ड में अलग अलग पैटर्न है? नहीं ऐसा नहीं है यार, ऐसा मत बोलो, ये तो गलती हो जाएगी। हर वर्ड में कैसे अलग पैटर्न हो जाएगा? देखो विश वाले को देख लेते हैं तो पता चल जाएगा। देखो इसमें माइनस वन करो, एच आई वी जे आर आई वी जे आर वी जे आर ये जी यहां पर बस गलत हो रहा है। आप लोगों का भी यही गलत हो रहा है क्या इसमें? अच्छा हाँ ठीक है दोस्तों, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, ध्यान नहीं दिया मैंने। ठीक है ठीक है, यहां पर देखिए क्या करना है ना, जो वॉवेल है ये मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने सिर्फ देखा कि अल्टरनेट हो रहा है। ठीक है इसको समझा देता हूं। देखो जो लाइफ में चेंज कर रहा था ना, लाइफ में, तो इसमें क्या कर रहा है, माइनस वन इसमें प्लस वन, इसमें माइनस वन इसमें प्लस वन, तो ये क्यों हो रहा था? क्योंकि ये वॉवेल था, जो वॉवेल है उसमें प्लस वन करना है और जो कॉन्सोनेंट होंगे उसमें माइनस वन करना है। इसीलिए ये वाले में जब आप कर रहे हो ना तो एच में भी माइनस वन हो रहा है, एच क्योंकि क्या है कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट में माइनस वन करोगे तो जी आ जाएगा। ठीक है अब क्लियर होगा। तो यहां पर थोड़े से चेंजेस आप कर लीजिएगा जो भी मैंने गलतियां की है, तो इसमें माइनस वन प्लस वन माइनस वन, इसमें भी माइनस करेंगे तो ए बी सी डी, तो यहां पर सी आ जाएगा, ये सी आ जाएगा यहां पर एपीएमसी। ठीक है यहां पर भी एपीएमसी, इसमें भी एपीएमसी, और उसके बाद क्या अरेंज किए थे हम, ये डेट वाला किए थे ना, तो माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन, इसमें तो सही है, इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। फिर ये ड्यूटी वाले में भी देख लेते हैं, माइनस वन प्लस वन माइनस वन, इसमें भी माइनस वन करना है तो एक्स वाई जेड, ये एक्स हो जाएगा, कॉन्सोनेंट है तो माइनस वन करना है, वॉवेल है तो प्लस वन करना है। ठीक है चलिए इसका आंसर आप देख लीजिए, ये देखिए ये सी है जो कि मैंने बाद में चेंज कर दिया, पहले ई बनाया था हमने, तो ये सी हो रहा है। और तीसरे स्टेप चौथा कौन सा स्टेप बनाए थे अभी हम, पांचवा स्टेप, पांचवा स्टेप का पहला वर्ड देख लो, ड्यूटी सी वी एस एक्स, ड्यूटी सी वी एस एक्स बिल्कुल सही है, मतलब हम बिल्कुल सही जा रहे थे, सिर्फ एक छोटी सी गलती थी जो कि मैंने सुधार दी लास्ट में। अब उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा था पैटर्न में। तो बस इसी के साथ सेशन को खत्म करेंगे, लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, लाइक करने से एक मोटिवेशन मिलता है, मैं डेली बोलता हूं आप लोग फिर भी लाइक नहीं करते हो यार, गजब बेइज्जती है। जल्दी से लाइक करिए और कमेंट्स करके आप ये बताइएगा कि अगली क्लास जो है, कल की जो क्लास है वो किस टॉपिक पे चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली मैं कोडेड डायरेक्शन की क्लास सोच रहा हूँ कल के लिए, या फिर नए पैटर्न के जो क्वेश्चंस मेंस में आते हैं उनके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि कल की क्लास हो। बट फिर भी आप एक बार बताइएगा कमेंट करके कि कौन सी क्लास कल आप चाहते हैं सुबह 9 बजे, तो वो आज शाम तक उसको शेड्यूल कर दिया जाएगा और कल फिर हम मेंस का दूसरा टॉपिक करेंगे। ठीक है यस ऑफिसर का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आप बेसिक से सारी क्लासेस करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को दोस्तों यस ऑफिसर की वेबसाइट पर पहले ले जाता हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कौन कौन से मेरे कोर्सेस हैं जो यस ऑफिसर पर चल रहे हैं। तो जब आप दोस्तों यस ऑफिसर पर जाओगे तो गेट यस ऑफिसर प्रीमियम पे आप क्लिक करेंगे, तो ये क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये कोर्स दिख जाएगा। इस कोर्स के अंदर दोस्तों अगर बात की जाए तो कौन कौन से कोर्सेस हैं, तो ये व्यू ऑल पे क्लिक कर सकते हो आप। तो मेरे जो कोर्सेज चल रहे हैं वो मैं दिखा देता हूँ। एक चल रहा है रीजनिंग का एसबीआई पीओ क्लर्क के लिए, मिसलेनियस क्वेश्चंस की सीरीज, ये सिर्फ एसबीआई पीओ क्लर्क लिखा हुआ है लेकिन ये सारे एग्जाम्स के लिए है, ये बाद में मैं चेंज कर दूंगा। ये हर बैंकिंग एग्जाम्स इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए, जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस प्रीलिम्स और मेंस सारे टाइप के मिसलेनियस क्वेश्चन इसी कोर्स में होंगे, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है।
ये जो कोर्स है दोस्तों, ये 1000 पजल की प्रीलिम्स की सीरीज है, मतलब ये सीरीज अभी स्टार्ट नहीं हुई है, ये स्टार्ट हो रही है मंडे से। तो इसमें 1000 पजल्स मैं करवाऊंगा बिल्कुल बेसिक लेवल से। अगर आपको पजल्स नहीं बनते हैं, पजल नहीं सीख पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं, तो इस वाले को जरूर देखिएगा, इस कोर्स को जरूर देखिएगा। इसमें आप लोगों को सारे टाइप के पजल्स मैं करवाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों एक जो मेरी सीरीज चल रही है वो है 500 मेंस लेवल की। तो 500 मेंस लेवल की पजल सीरीज जो है ये स्टार्ट हो चुकी है। इसमें लगभग 6 से 7 क्लासेस हो चुकी हैं, हर क्लास में लगभग 2 पजल हो रहे हैं, यानी कि लगभग 15 पजल्स हम कर चुके हैं अभी तक। ये मेंस पजल की सीरीज चल रही है। एक चल रहा है दोस्तों 1000 डेटा इंटरप्रिटेशन की सीरीज, इसमें 3 क्लासेस हो चुकी है। बिल्कुल बेसिक लेवल से अगर आपको डीआई नहीं बनते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं आता है, तो एकदम जीरो लेवल से मैंने यहां पर स्टार्ट किया है। जिस बच्चे को मैथ्स बिल्कुल नहीं आता वो भी इसमें सीख सकता है। अभी सिर्फ 3 ही क्लासेस हुई है और सिर्फ आधे घंटे की ये क्लास होती है। टाइमिंग जो है दोस्तों इसका 8 बजे है, इसका शाम को 6:30 बजे है और इसका सुबह का 10:30 बजे का टाइम है। इसी टाइम पे ये वाली क्लासेस भी चलेंगी, अल्टरनेट चलेंगी, मतलब 3 दिन ये 3 दिन ये, ठीक है। तो ये अगर आप इंडिविजुअल मेरा कोर्स लेना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स भी ले सकते हैं, और अगर आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। दोनों ही उसमें दोस्तों बस आपको ये याद रखना है कि डिस्काउंट जो है वो आपको AL10 ये कोड अप्लाई करने से डिस्काउंट मिल जाएगा मैक्सिमम। तो AL10 कोड जरूर लगाइएगा और आप इनमें से कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए खत्म करते हैं, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।